घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? कितने बॉलीवुड स्टार्स की होगी फिल्म में एंट्री? क्यों पॉलिश किया जा रहा है फिल्म की स्क्रिप्ट को? साउथ सिनेमा की फिल्में अब सिर्फ साउथ तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि इसका जादू हिंदी भाषियों पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने पूरे भारत देश में खूब कमाई की है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया है। इस फिल्म के डायलॉग्स और गानों के ऊपर कई सारे लोगों ने पोस्ट्स भी किए हैं। अब बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की सेकेंड सीक्वल लाने वाले हैं। इस फिल्म का नाम होगा पुष्पा द रूम। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का शूट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और मेकर्स इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कई सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। फिल्म पुष्पा के मेकर्स फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उत्तर भारतीय दर्शकों के ऊपर पड़ेगा। जिसका मतलब है कि इस फिल्म का ज्यादातर फोकस हिंदी दर्शकों के ऊपर होगा, जो कि इस फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिल्म निर्माता के अनुसार लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव छोड़ने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट को पॉलिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म पुष्पा की सीक्वल की शूटिंग की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और इसका नाम पुष्पा द रूल रखा जाएगा। फिल्म के सीक्वल में पुष्पा के किरदार में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट में पुष्पा को चंदन की तस्करी करते हुए पूरे सिंडिकेट का मालिक बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस फिल्म के पहले पार्ट को 17 दिसंबर को रिलीज किया गया था और इसका दूसरा पार्ट इस साल के अंत तक हमें सिनेमा घरों में देखने को मिल सकता है। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगल शेष चलम की लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी पर आधारित। इस फिल्म में हमें लीड रोल में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना नजर आएंगे। आप इस फिल्म के सेकेंड सीक्वल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।